हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो लोग अपने बालों में लेमन, कर्ड ये सारी चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। इनसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, पर परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही नहीं ये सब। वैसे भी आप कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, डैंड्रफ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार आपने कोई भी एंटी डैंड्रफ चीज़ें यूज़ कर ली फिर आपको आपकी पूरी मतलब लाइफ में कभी डैंड्रफ ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डैंड्रफ आती जाती रहती है पर आप उसको क्योर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको यूज़ करने से आपको काफ़ी दिनों तक डैंड्रफ से रिलीफ मिल सकता है। डैंड्रफ को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, क्योंकि हो सकता है आपकी स्किन पे जो भी पिंपल्स वगैरह हैं, स्कार्स हैं, उसका कारण डैंड्रफ ही हो। तो डैंड्रफ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो जिस शैम्पू का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये डव का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये भी मेडिकेटेड शैम्पू है और ये क्लेम करता है कि 100% आपके बालों को स्मूथ करेगा और 100% डैंड्रफ से फ्री बनाएगा आपके बालों को। काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं और दो तीन साइज़ में ये शायद अवेलेबल है। बहुत ही ईजिली ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं भी मिल जाता है। इसको अभी मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डैंड्रफ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पर जब आप इसको यूज़ करते हो एक वॉश में ही आपकी डैंड्रफ गायब हो जाएगी। ये डैंड्रफ को दूर करता है, फ्लेक्स हो जाते हैं बालों में, ईचिंग हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। पर ऐसा ये नहीं कह सकते कि आपने इसको लगाया फिर आपको कभी डैंड्रफ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपके डैंड्रफ को काफ़ी हद तक दूर कर देगा। बहुत लोग पूछते हैं क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। वीक में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो डव का ये शैम्पू है इसको मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ पर मेरे वालों पे ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जैसे हैं वैसे ही हैं, पर डैंड्रफ काफ़ी अच्छे से ये मेरे बालों की जो भी डैंड्रफ है उसको दूर कर रहा है और ईचिंग वगैरह है उसको भी दूर करता है। तो ये डैंड्रफ पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि ये क्लेम करता है कि आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, तो ऐसा कुछ काम नहीं करता है। आपको इसके बाद एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो हो सकता है आपके बाल काफ़ी फ्रिजी लगे। इसके बाद आपको सीरम लगाने की भी ज़रूरत है, नहीं तो आपके बाल थोड़े से ड्राई नज़र आ सकते हैं। और मतलब सिर्फ आप चाहो कि ये शैम्पू यूज़ कर लिया और आपके बाल की डैंड्रफ भी चली गई और फ्रिजनेस भी चली गई, ड्राइनेस भी चली गई, तो ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ डैंड्रफ को ही दूर करेगा। बाकी आपको फ्रिज फ्री बनाना है, बाल सिल्की बनाना है, ये सारी चीज़ें करना है तो एक अच्छा सा कंडीशनर यूज़ कर लो, अच्छा सा सीरम यूज़ करो। इसको यूज़ करने से पहले आप बालों को बहुत अच्छे से ऑयलिंग करेंगे तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब डैंड्रफ है तो ये कमाल का काम करता है, और अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग करते हो, कंडीशनिंग करते हो, तब ये ओवरऑल बहुत अच्छे से काम करता है। बिल्कुल आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से डैंड्रफ को ट्रीट करेगा। मुझे अच्छा लगा। मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाती हैं, आपको सूट नहीं करती हैं, तो आप इसको परचेस ना करें। अदरवाइज़ अगर आप अपनी डैंड्रफ को ट्रीट करना चाहते हैं, बिल्कुल एक बार इसको यूज़ करके देखो, एक वॉश में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा काफ़ी हद तक। और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तब हो सकता है आपको इसको दो तीन बार यूज़ करना पड़े, पर अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है तब ये तुरंत आपको रिज़ल्ट दे देगा। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपके आस पास अड़ोस पड़ोस में कहीं भी इजीली मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।